दुल्हन की तरह स्वागत करने के लिए, सद्भाल करने के लिए, अपने मेहमानों के लिए देश की राजधानी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। जिस तरह से गाड़ी का पहिया घूमता है, उसी तरह से समय का पहिया भी घूमा। देर से ही सही, लेकिन घूमा जरूर, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक बड़ी दूरी हम इस वक्त तय कर चुके हैं। और तय करते हुए हिंदुस्तान में एक ऐसा आयोजन होने जा रहा है जो विश्व के सामने हिंदुस्तान की ताकत का एहसास करवाएगा। वक्त है कुटुंबकम और विश्व गुरु की परिकल्पना को और आगे बढ़ाते हुए विश्व मित्र की मित्रता को निभाने का, और इस मित्रता को निभाने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। अपने दोस्तों को, मित्रों को और दुनिया की बड़ी आबादी को ये दिखाने के लिए कि जब हम आपको मित्र बोलते हैं तो उसका पूरा फर्ज भी निभाते हैं। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि हम G20 समिट के बारे में बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। आज हम आपको बताएंगे कि G20 समिट में किस किस को बुलाया गया, कौन कौन आएगा और किस किस ने किया किनारा, और कहां ठहरेंगे विदेशी मेहमान। जानिए हमारे साथ हर सवाल का जवाब। G20 में शामिल दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्वागत करने के लिए राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 समिट के लिए मंच सज चुका है। इसके साथ ही विदेशी मेहमानों का आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि G20 की स्थापना कब हुई थी। साल 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। इससे कुछ वक्त पहले एशिया में आर्थिक संकट था। इसके बाद जर्मनी में G8 देशों की मीटिंग हुई, जिसमें G20 का गठन किया गया। इसमें सभी ताकतवर अर्थव्यवस्था वाले G20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स को न्योता दिया गया। दरअसल ग्लोबल इकोनॉमिक मुद्दों को आपस में ही कैसे हल किया जाए, इस संगठन का मकसद यही था। साल 2008 में जब आर्थिक मंदी आई थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया था कि इसकी बैठक में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मॉरिशियस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ कल सुबह दिल्ली पहुंच गए। यहां दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक ने मॉरिशियस के प्रधानमंत्री का बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया। नाइजीरिया के राष्ट्रपति पहले ही भारत पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक, कैनेडा के PM जस्टिन टूडो, जापान के PM फिमियो कशिदो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूसुफ येओल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मन चांसलर समेत दुनिया के 20 देशों के नेता आज शुक्रवार को दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा G20 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन खान, दक्षिणी अफ्रीकी, तुर्की और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति सहित ब्राजील, बांग्लादेश और इटली के राष्ट्राध्यक्षों को भी G20 में शामिल होने की उम्मीद है। अब जानिए कि कौन कहां पर ठहरेगा। G20 समिट में आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए आने जाने, रहने खाने पीने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। विदेशी मेहमानों के लिए स्पेशल डिश परोसी जाएगी। खास बात यह है कि ये डिश सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाएगा। वह इनके ठहरने की भी खास व्यवस्था की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली की ITC मौर्य होटल, ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक दिल्ली की शांगरी लॉ होटल, कनाडा के PM जस्टिस टूडो दिल्ली की द ललित होटल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो दिल्ली की क्लोसरी चेच होटल, फिमियो किशिदा दिल्ली की द ललित होटल, एंथनी अल्बनीज दिल्ली की एम्पायरल होटल, दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति यूएन सुक योल गुरुग्राम की ओबरोय होटल, तुर्की के राष्ट्रपति रसीप तेयब गुरुग्राम की ओबरोय होटल, चीनी PM लिकियांग ताज पैलेस होटल में ठहरेंगे। अब आपको बताते हैं कि किसने किया किनारा और कौन कौन इस समिट में नहीं आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति श्री जिनपिंग इस समिट में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह चीन के PM लिकियांग चीन प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। 2008 के बाद ये पहली बार है जब चीनी राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। वही रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी भारत नहीं आ रहे हैं। उनकी जगह विदेश मंत्री सरगेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके बाद बात करते हैं G20 में कौन कौन से देश शामिल है। G20 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कैनेडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान,
रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन शामिल है। इन देशों के अलावा इस बार नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशियस और नाइजीरिया को मेहमानों के तौर पर बुलाया गया है। हालांकि यूक्रेन को G20 समिट का न्योता नहीं भेजा गया है। अब आपको बता देते हैं कि G20 को बने 24 साल बीत चुके हैं। अगर आप G20 की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि इसके सदस्य देशों की GDP मिला दे तो ये दुनिया की 80% GDP, 75% वैश्विक व्यापार और 60% आबादी बैठेगी। ये संगठन जो भी फैसला लेता है वह दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। वही आपको बता दें कि भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की कमान है। नमस्कार।